हमारे में बोला था ना ये डर हमें अच्छा लगा, इसी से हम खुश है। युवाओं का डर उन्हें की ब्रैकेटिंग कर दिया, लाल चौक बना के रख दिया है। ये रांची नहीं है, श्रीनगर का लाल चौक है। लगातार यह आक्रोश आम जनता का है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। और तार लगाने से क्या होता है, तार काटा भी जा सकता है, आप युवाओं के जोश को नहीं रोक सकते हैं। अरे सब तो झाड़ लिए हेमंत जी, झाड़ लिए झारखंड, झारखंड में बचा भाजपा की ओर से इस आक्रोश रैली में झारखंड के तमाम युवा मौजूद है। आपको बता दें कि आक्रोश रैली के लिए सभी युवा मोरबादी ग्राउंड में इकट्ठा हो रहे हैं, जिसके बाद उनकी ओर से मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए जाया जाएगा। लेकिन सुरक्षा की ओर की अगर सुरक्षा की बात करें तो प्रशासन भी काफी अलर्ट है। प्रशासन चारों दिशा में बैरिकेडिंग लगा चुकी है, उसके ऊपर कंटीले तार भी लगा चुकी है, और इसे पार करने के लिए युवाओं के अंदर एनर्जी होना भी काफी जरूरी है। जिसे लेकर इन्हें खाना भी बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि जितने भी युवा है उनके लिए खाना का व्यवस्था किया गया है, और दाल चावल और सब्जी की व्यवस्था की गई है। तो युवाओं से बात करेंगे, जानेंगे कैसा खाना है और इस खाना खाने के बाद किस तरीके से हुंकार लेकर हुंकार भर कर सरकार के लिए सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे, और किस तरीके से ये बैरिकेडिंग तोड़ने में सफल रहेंगे। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है खाना? कहाँ से आए आप? अपने हक अधिकार के लिए आए तो आवाज उठाएंगे यहाँ पे? उठाएंगे। खाना खा लिया, एनर्जी आ गया होगा आपके अंदर? जी। एनर्जी के लिए खाना तो जरूरी था। जरूरी। क्या कहेंगे आप बताइए, आप कैसे खा लिए खाना? खाना भी अच्छा था, टेस्टी था ना? खाना भी अच्छा था, अब शक्ति आ गया, अब हम लोग लड़ सकते हैं। आप बताइए। हाँ खाना बहुत अच्छा था, लेकिन युवा के लिए सोचना होगा कि आगे कैसे बढ़ेगी और क्या है। तो हो चुका है, फॉरम नहीं भी है, फॉरम जो भी पढ़ रहा है युवाओं पे पढ़ रहा है, क्या है उधर? लेकिन सिस्टम है, फॉरम नहीं आता है, फॉरम जब आता है तो कुछ लापता है, एग्जाम कर रहे, क्या है उस सब में देखना होगा, जैसे क्या करना होगा। अब बैरिकेडिंग लगाया गया है, खा लिया तो तोड़ दीजिएगा, इतना एनर्जी तो आपके अंदर आ गया होगा, कर दिया जाएगा। चलिए तो चलो। तो आप देख सकते हैं खाने के बाद इस युवाओं के अंदर काफी एनर्जी आ चुकी है। जिस तरीके से बैरिकेडिंग लगाया गया है और सरकार के खिलाफ नारा देना, इसके लिए खाना बहुत जरूरी था। खाना खा लिया, फुल एनर्जी हो गया, क्या कहेंगे आप? देखिए खाना तो हमारा दैनिक जो चर्या है उसका एक हिस्सा है। हम लोग कहीं रहे, हम लोग जंगल में भी रहते तो खाना खोज लेते हैं, तो रांची है। हेमंत सोरेन जी समझे कि इतना विकट परिस्थिति में खाना खाए हैं, उनका तार जो लगा है कटीला काम करेगा कि नहीं, वो डर से आज निकलेंगे नहीं, बस यही समझ लीजिए। अभी हम लोग आते समय कम से 10 जगह उन लोगों ने प्रशासन से रोकने का काम किया है, साथ ही वैसे गरीब लोगों को परेशान करने का काम किया है, जिनके पास ना कोई कागज होगा पत्थर होगा, आम जनता को भी परेशान किया है उन्होंने। आप देखिए लगातार यह आक्रोश आम जनता का है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ये जितनी भीड़ है आप रांची के बाहर देख लीजिए, पूरी रांची जाम है आज। आखिर कारण क्या है? आपके झारखंड में आतंकवाद मिल रहे हैं, कहाँ है आप? गांव कस्बों में गए आतंकवादी पहुंच गया है, कहाँ है आपकी सुरक्षा? बेटियों को रेप हो रहा है, पीजीटी में बंगाल कलकत्ता और कहाँ से ला के भर रहे हैं। आपने शहरी जो आवेदन हुए उसमें आपने मुंबई कलकत्ता बिहार यूपी से आपने 27 की बहाली में 18 को भर्ती किए, किस प्रकार से आपको भर्ती है, क्या नियोजन नीति है? ऐसे तो आप आदिवासी हित की बात करते हैं, आपने कितने आदिवासी की सुरक्षा की? आपने यहाँ जो आंदोलनकारी थे जिन्होंने शहीद हुए उनको आपने कितनी सुरक्षा दी? हमारे क्रांतिवीर के परिवार मर गए, आपने देखने तक नहीं किया, ऊपर से बोले कि यह तो होते रहता है। कितने शर्म और लज्जा की बात है, समझने की बात है कि किस ओर हमारी झारखंड जा रही है। क्या हमें झारखंड इसलिए मिला था? आप क्या किए आज सोचे कि 2 झारखंड की जनता को लड़वा दे? क्या झारखंड अधिकार निकाले है ना, झारखंड अधिकार आंदोलन? अरे सब तो झाड़ लिए हेमंत जी, झाड़ लिए झारखंड, झारखंड में बचा क्या? झारखंड आपने झाड़ लिया, झाड़ने के बाद बालू लूटा, आदमी लूटा, क्या नहीं लूटा आपने, क्या बॉक्साइड लोहा सब तो लूटा, जमीन लूट लिया आपने, जमीन के चलते आप जेल गए। अरे आप प्रशासन संविधान के तहत आपने जेल किया, कोई भाजपा ने आपको नहीं भेजी? ऐसा नहीं है, भाजपा ने आपके साथ अन्याय कर सकती है, न्यायालय अन्याय नहीं कर सकता है, और आप बेल पे छूटे हैं, आपको छोड़ नहीं दिया गया है, यह एक प्रोसीजर है। आप आने वाले दिन में फिर जेल के अंदर होंगे, और नहीं होंगे तो युवा पहुंचा देगा।
ये मुंडा बिरसा मुंडा की धरती है, आंदोलनकारी आज से नहीं, जिस समय कहां के लोग पैदा नहीं हुए तो उस समय जंगलों से उलगुलान हुआ था, तो वह हम लोग हैं और उनके हम लोग वंशज हैं और इसे कोई ठुकरा नहीं सकता है। आने वाले दिन में मुंह तोड़ अभी देखने को आपको मिलेगा, कोई ब्रैकेटिंग काम नहीं करेगा, आप करंट दौड़ा दीजिए, भाजपा कार्यकर्ता वहां भी चढ़ेगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो ये खाने के बाद एनर्जी आया या फिर ये शुरू से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का लक्ष्य रखता है, इसलिए ये तो रांची, हम लोग अंतिम व्यक्ति तक भूखे प्यासे हर परिस्थिति में पहुंचते हैं, ये तो शहर है साहब, तो आप छुप करके बैठ जाएगा, उससे कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से ये पूरे एनर्जी में इन्होंने बातें की सरकार के खिलाफ, जितने भी उन्होंने वादे किए सारे वादों को इन्होंने गिनाया, आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने जो भी वादे गिनाए हैं सारे वादे भैया ने बिल्कुल सही बताया। हमारी जिस समय रघुवर सरकार थी ये युवाओं का है, युवाओं को आज के समय में क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। ये सरकार कितने रोजगार दिए है, आपके भी सामने हमारे भी सामने, सीजीए का परीक्षा रद्द हो रहा है, जेई का परीक्षा, तो ब्रैकेटिंग जिस तरीके से लगाया गया है तोड़ पाएंगे क्या? ब्रैकेटिंग तोड़ना क्यों है? नहीं नहीं, हम लोग प्रशासन अंतर्गत रह के काम करेंगे, हम लोग गुंडे नहीं है, आक्रोश पैदा दिखाने आए, आक्रोश दिखाएंगे। वो समझिए कि हेमंत सरकार का डर कितना है, हमारे में बोला था ना ये डर हमें अच्छा लगा, इसी से हम खुश है, युवाओं का डर उन्हें की ब्रैकेटिंग कर दिया, लाल चौक बना के रख दिया है। ये रांची नहीं है, श्रीनगर का लाल चौक है, ये हेमंत पहली बार देखने को मिला आंदोलनकारी पहली के लिए। क्या थी मैम आपको पूछ, पहली बार इस तरीके से देखा गया कि आंदोलनकारियों को रोकने के लिए कंटीले तार लगाए गए? सरकार इतना गलत काम कर ही चुकी है कि वो मुंह दिखाने लायक बची नहीं है, तो उनके पास कुछ तो होना चाहिए ना बचने के लिए, तो लगा दिया ब्रैकेटिंग। यही उन्होंने हमें रोजगार दिया होता, ये किया होता तो आज हमें क्या जरूरत था ये करने का? क्या हमें बर्बाद अपना समय आकर के अच्छा लग रहा है? लेकिन क्या करें, चार साल से सीजीएल का एग्जाम कैंसिल हो रहा है, जेई का परीक्षा लिया सरकार ने, नो डाउट बहाली भी दिया, क्या कट ऑफ निकाला? कट ऑफ निकाल देता सरकार का भांडा फूट जाता ना, सीट कितना बिका पता चल जाता, यहीं से पता चल रहा है। हाँ, लेकिन जिस समय हमें रघुवर सरकार थी, एसआई को बहाली किया, वन रक्षी में फॉरेस्ट गार्ड का बहाली हुआ, टीचरों का हुआ, बिना किसी घुसखोरी का, मेरिट का, इसी से अंदाज लगा लीजिए भाजपा की सरकार और जेपी की सरकार में कितना अंतर है। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे, कितना एनर्जी है आप लोग के अंदर? हम लोग क्या, हम लोग चूंकि आदिवासी, मैं खुद स्वयं आदिवासी हूँ और झारखंड बना तो आदिवासी के लिए बना, और कहने के लिए है मुख्यमंत्री आदिवासी है, लेकिन कैसे तोड़िएगा, कैसे पार कीजिएगा इस बैरिकेडिंग को? तोड़ेंगे हम लोग, पार कैसे कीजिए? हम लोग शिष्टाचार में रह के, प्रशासनिक जो कानून है उसके दायरे में रह के उनको भय पैदा करेंगे, आने वाले दिन में उसका कुर्सी को हम लोग खींचेंगे और झारखंड से उसको बेदखल करेंगे, यही हमारा मकसद। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हेमंत सोरेन जी ब्रैकेटिंग लगाकर युवाओं का जो जोश है वो नहीं रोक सकते। हमारे अंदर जो बीत रहा है, झारखंड आज जल रहा, मैं अपने अगर गृह जिले की बात करूं, मैं लोहरदगा जिला से आता हूं, लोहरदगा जिला में अधिकतर बांग्लादेशी घुसपैठिया बैठे हुए हैं, उनके बारे में क्यों नहीं हेमंत सरकार, उनको रोकने के लिए क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं हेमंत सरकार सिर्फ कर रहे हैं तो हम जैसे युवाओं को रोकने के लिए, अरे हमारी क्या गलती है मैम, हमारी क्या गलती? मैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से पूछना चाहता हूँ कि हमारी क्या गलती है साहब, कि आप हमें रोक रहे हैं? रोकना है तो उन बांग्लादेशियों को रोकिए जो आज झारखंड को खोखला बना रही है, आज झारखंड खोखला बन रहा है। झारखंड में आप देखिए, मैं नाम नहीं लूंगा, बट झारखंड में दूसरे वर्ग के लोग झारखंड को, झारखंड की बहन बेटियों को छेड़ रहे हैं, उनका बलात्कार हो रहा है, और आज जो ये रैली भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा आयोजित किया गया, ये उसी के निमित्त किया गया, और वो ब्रैकेटिंग, कोई तार चाहे आप वहां पे बम बारूद भी लगा दीजिए, आज ये झारखंड का युवा नहीं रुकेगा इस ब्रैकेटिंग से। और तार लगाने से क्या होता है, तार काटा भी जा सकता है, आप युवाओं के जोश को नहीं रोक सकते हैं। तो देखा आपने, सभी युवा में काफी एनर्जी नजर आ रही है और काफी आक्रोश भी, जिस तरीके से सरकार जो सत्ता में आई थी युवाओं ने वादा किया था कि हर हाल में सभी युवाओं को 5 लाख नौकरी दी जाएगी, लेकिन उनके ओर तो कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया, और वही खाने के बाद सभी युवाओं में एक अलग सा ही एनर्जी आ गया है, क्योंकि खाने के बाद ही युवा एनर्जी के, फुल एनर्जी के साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे, और जिस तरीके से बैरिकेडिंग लगाई गई है, बैरिकेडिंग के ऊपर कंटीले तार लगाए गए, उसे किस तरीके से पार किया जाए उसको लेकर इनके अंदर काफी एनर्जी नजर आ रही है। अपलोड रवि के साथ महक मिश्रा।